हमारे जो कोइरिया पार्क के लोग हैं, जो घोसी की लोग हैं, जनता है, उनसे मेरा ये दरख्वास्त है कि हम लोग उस व्यक्ति को चुने जो शिक्षा पे बात करता है, जो समानता पे बात करता है, जो इक्वलिटी पे बात करता है, वो नहीं कि जो जाति धर्म मजहब पे बात करे, मंदिर पे बात करे, हमें वो नहीं चाहिए। अगर 70 साल के बाद भारतवासियों को राशन देना पड़े तो ये हमारी कोई क्या बोलते हैं, बहुत बड़ा हमने तीर नहीं मान लिया है, बल्कि हम देश को और गर्त में ले जा रहे हैं कि हम भारत देश को इस काबिल नहीं छोड़े हैं कि हम जी खा नहीं सकते। एक्सप्रेसवे भी बने वही जो पहले अखिलेश भैया ने पास करा दिया था, उसी को इन्होंने लीपा पोती करके अपना बना लिया। वही है कि घर बाबा बनाए और हमारे जो चाचा हैं वो थोड़ा सा पेंट वगैरह करा के लिखवा दें कि ये घर हमने बनवाया। थके हैं कदम ना अभी हिम्मत हारी है, हौसला है कुछ कर दिखाने का, इसीलिए जंग जारी है। और मेरे दोस्त, आप लोग पढ़ते रहिए, ये सरकार बदलेगी, हर एक वक्त बदलेगा और आप अपने मुकाम पे जरूर खड़ा होंगे। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक निवेदन है, अगर आपको मेरी मेहनत और मेरा काम पसंद आ रहा हो तो स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें और हमें आर्थिक रूप से सहयोग करें, क्योंकि सच दिखाने के लिए अब सोशल मीडिया ही बचा है। कोदी मीडिया की क्या हालत है आप सभी को पता है। धन्यवाद। घोसी के कोइरिया पार में आज मेरी मौजूदगी है और कुछ चुनावी माहौल जानने के लिए हम एक चाय की दुकान पे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये रात का वक्त है, शाम का वक्त है और अंधेरा हो चुका है और कुछ लोग हैं, और घोसी के माहौल पे हमारी बात होगी कि घोसी में किसका पल्ला भारी है और लोगों का वोट जो है किस मुद्दे पे लोग वोट कर रहे हैं, विकास के नाम पे कर रहे हैं कि क्या उनका मुद्दा है इस बार 2024 लोकसभा चुनाव में वोट देने के लिए, और घोसी में लोगों की चाहत क्या है। एक युवा मेरे साथ हैं और मैं इनसे बात करता हूँ, आप वीडियो बन रहे। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम पीयूष कुमार है और इधर ही मेरी एक कोचिंग चलती है और हम और हमारे अध्यापक पढ़ाते हैं वंदे मातरम एजुकेशन इंस्टीट्यूट। बिल्कुल। और मैं इसी मार्केट में पढ़ाता हूँ, तो आप जो भी पूछना चाहते एकदम बेशक पूछिए। और रही बात हमारी घोसी की, तो यहाँ पर सबसे प्रथम स्थान पे हम लोग बहन कुमारी मायावती जी को देखते हैं और दूसरे स्थान पे विकासशील हम अखिलेश कुमार यादव जी को देखते हैं जी। तो घोसी का कुछ माहौल बताएंगे हमको इस टाइम का। देखिए, घोसी का साफ सुथरा माहौल यही है कि हम लोग शिक्षा पे वोट करेंगे और युवाओं के विकास पर वोट करेंगे। तो इस समय प्रथम स्थान पे हमारे हैं भैया अखिलेश जी। इस युवा का कहना है, और अब तक कोई बात करता है तो तमाम मुद्दों पे जात धर्म पे लेके, इस लड़के का कहना है, इस युवा का कहना है कि हम जो है शिक्षा और रोजगार को पे लेके वोट करेंगे। कम लोग ऐसे हैं कि जो शिक्षा और रोजगार को लेके वोट करें। तो ये युवा, और कुछ इनसे हम बातें करते हैं। और बताइए आखिर युवा और जो है रोजगार, युवा और रोजगार दोनों, युवा को रोजगार नहीं मिल रहा है, शिक्षा लोग लेके और बैठे हुए हैं, तो उस पर क्या कहना होगा आपका? देखिए, सबसे बड़ी हमारे उत्तर प्रदेश की एक कमी है कि हम शिक्षा पे ना देखें, मजहब और जाति पे देखते हैं। तो अगर हम शिक्षा को ध्यान नहीं देंगे, और आपने सुना होगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहे हैं कि एक पढ़ा लिखा समाज ही सही चीज़ का निर्णय कर पाता है, और हालांकि हमारे भारत में बहुत ऐसे शिक्षित लोग हैं लेकिन कहीं ना कहीं अंधभक्ति भी हम में है, और हम अंधभक्त इतने हो गए हैं कि जो एक आदमी बोलता है उसको हम फॉलो करते हैं। हालांकि हमारे जो कोइरिया पार के लोग हैं, जो घोसी की लोग हैं, जनता है, उनसे मेरा ये दरख्वास्त है कि हम लोग उस व्यक्ति को चुने जो शिक्षा पे बात करता है, जो समानता पे बात करता है, जो इक्वलिटी पे बात करता है, वो नहीं कि जो जाति धर्म मजहब पे बात करे, मंदिर पे बात करे, हमें वो नहीं चाहिए। हमें आप इस लायक बनाइए कि उस मंदिर का हम निर्माण कर सकें। हालांकि भारत के कई ऐसे सरकार हैं जो भारतीय जनता पार्टी को कह रही कि मंदिर हमने बनवाया। आप बताइए, मंदिर उन्होंने बनवाया नहीं है, भारत के लोग चंदा दिए, ये भारत का हमारा अहम भाग है, मंदिर हमारी आस्था है, और मंदिर हमने बनवाया है, ना कि कोई पार्टी ने बनवाया है। अगर हम चाहें, कोई भी पार्टी हो, अगर हम चाहें कि हमें मंदिर बनवाना है, क्या कोई हमें रोक देगा? क्या हम भारत के लोग हैं कि हम भारत में मंदिर नहीं बनवा सकें? ये हम पे एहसान किया जा रहा है। एहसान तो तब होता पाकिस्तान वाले कहते कि हमने मंदिर बनवा दिया, तब तो एहसान होता, लेकिन ये भारत के लोग बनवाए हैं, भारत की राज्य सरकार बनवाई है, जो सरकार कहती है वो हमारे वोट के बदौलत सरकार है कि नहीं है? तो वो मंदिर किसने बनवाया? भारत की, उन्होंने, भारत ने बनवाया। लेकिन हमारा मुद्दा वो नहीं है सर, हमारा मुद्दा है शिक्षा, रोजगारी, हमारा बिजनेस कि हम किस प्रकार से व्यापार करें, हमारा मुद्दा ये है। और हमारी घोसी के जो जनता है, हमें उम्मीद है कि इसी बात को सोच के वो वोट देंगे, क्योंकि एक वोट 5 साल वेट, एक वोट 5 साल वेट। अगर हमें 5 साल वेट नहीं करना है, हमें एक अच्छा विकास चाहिए, तो हम आपको बता चुके हैं कि प्रथम चयन होना चाहिए बहन कुमारी मायावती जी का, उनका भी आप लोगों ने देखा होगा विकास, और द्वितीय स्थान पे हैं अखिलेश भैया जी। इस बार किसका जादू चल रहा है घोसी? इस बार हमको लगता है अखिलेश कुमार जी का जादू चल रहा है, और उन्हें आना भी चाहिए, उनकी सख्त आवश्यकता है, क्योंकि हम पिछले 10 सालों से देख रहे हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश के क्या हालात हैं,
ना तो एक भी एक्सप्रेसवे बने हैं। एक्सप्रेसवे भी बने हैं वही जो पहले अखिलेश भैया ने पास करा दिया था, उसी को इन्होंने लीपा पोती करके अपना बना लिया। वही है कि घर बाबा बनाए और हमारे जो चाचा हैं वो थोड़ा सा पेंट वगैरह करा के लिखवा दें कि ये घर हमने बनवाया है। आप बताइए क्या उचित है? उचित है। बीजेपी तो कह रही है कि राम मंदिर हमने बनवाया, जैसे आपने बताया कि राम मंदिर में बीजेपी का पैसा नहीं लगा है, हम जनता का लगा है, हमारे टैक्स का पैसा लगा है, सरकार का पैसा लगा है। हम टैक्स देते हैं तो सरकार को जाता है या लोग चंदा भी दिए थे, तो बीजेपी लेकिन राम के नाम पे वोट मांग रहे। कह रही है कि हमने जो है 500 साल से जो वेट कर रहे थे लोग, जनता वेट कर रही थी, तो हम टेंट से जो है प्रभु श्री राम को महल में कर दिया, तो उस पर क्या कहेंगे जो बीजेपी वाले जो है वोट जो मांग रहे हैं राम के नाम पर मांग रहे हैं? देखिए पहली बात तो आप टैक्स बोले हैं, टैक्स अब टैक्स क्या होता है आपको तो पता चली गया होगा टैक्स क्या है। क्या बताइए, टैक्स लगाना है तो टैक्स हमने दिया, क्या वो अपनी जेब से दिए? हमें पुस्तक पे 18% टैक्स, हमें शिक्षा पे 18% टैक्स, टैक्स तो हमने दिया, तो मंदिर किसकी? हमारी। और रही बात राम के नाम पे वोट मांग रहे हैं, शर्म करिए आप, राम के नाम पे वोट आपकी औकात नहीं है, आप अपने काम पे वोट नहीं मांगेंगे, राम को आगे लेके आके आप वोट मांगेंगे? आप अपना दिखाइए कि हमने इतने हॉस्पिटल बनवाए, हमने इतना स्कूल बनवाया, हमने इतना रोजगार दिया, हमने इतना घर दिया, हमने इतना गैस दिया। अरे गैस की आप क्या बात करते हैं सर, 400 से 1200, 800 का अंतर है। राशन तो दे रही है सरकार, राशन दे रही है। अच्छा ये बताइए सर, राशन दे रही है, मैं आपसे यही बोल रहा हूँ कि अगर 70 साल के बाद भारतवासियों को राशन देना पड़े तो ये हमारी कोई क्या बोलते हैं बहुत बड़ा हमने तीर नहीं मान लिया है, बल्कि हम देश को और गर्त में ले जा रहे हैं कि हम भारत देश को इस काबिल नहीं छोड़े हैं कि हम जी खा नहीं सकते। हमें रोजगार दीजिए, हमें शिक्षा दीजिए, हमें व्यापार दीजिए, हम आपको 10 किलो राशन हर मंथ ले जाके पहुँचाएंगे, केंद्र पर ले के जाएंगे। लेकिन आप कह रहे हैं कि हमने 5 किलो राशन दिया, एहसान हम पे कर दिया, घर से दे रहे हैं। ये तो भारत सरकार द्वारा योजना लाई गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कि हम उन पिछड़ों को राशन देंगे जो किसी कारण बस खा नहीं पाते हैं, और आप हमको कह रहे 5 किलो राशन दे के एहसान कर रहे हैं। सर ये हमारे देश का विकास नहीं है बल्कि हमारे देश का सर्वनाश है। एक और बीजेपी का नारा है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, उस पर कुछ कहेंगे आप? अपनी बेटियों के बारे में कुछ बताएंगे? देखिए बेटी तो सर उनकी जो जुबान है उनसे बेटी निकलना ही नहीं चाहिए। किन बेटी की बात करें, हाथरस की बात कर रहे हैं या उस BHU की बेटी की जिनके इन्हीं के कुछ कैंडिडेटों ने रेप कर दिया था और उनकी फोटो बड़े बड़े नेताओं के साथ खींचा हुआ है, क्या वही बेटी हमारी सुरक्षित है? बेटी हमारी सुरक्षित नहीं है। अरे बेटी तो उसको देखिए जो आयरन लेडी कहा जाती थी इंदिरा गांधी, उसके ज़माने में बेटी सुरक्षित थी, लेकिन आज के ज़माने में ये जो नारा है केवल दिखावा है। इनका नारा बहुत अच्छा होता है, मेहमान नमाजी बहुत अच्छा होता है, लेकिन घर बुला के वही है तावे पे पानी छिड़कना, देना कुछ नहीं है तावे पे पानी छिड़कना है, ताकि ये महसूस हो सामने वाले को कि अंदर बढ़िया सा पकवान बन रहा है और बाहर आए तो कह दे भैया नहीं कुछ हो पाया है। इनका यही मुद्दा है सर। और बीजेपी वाले जो वोट मांगने आ रहे हो कह रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री का विदेशों में डंका बज रहा है, इस पर भी कुछ बताएंगे आप? विदेशों का रहा डंका कौन जानता है? अच्छा विदेशों का डंका, हम भारत में पहले नहीं थे, विदेशों का डंका नहीं था, तो पुर्तगाल डलहौजी और पता नहीं कौन कौन से यूनान से पता नहीं कहीं से लोग हमारे भारत को लूटने आए थे, तब भारत मशहूर था। इनके 2014 से भारत मशहूर नहीं है। हालांकि प्रधानमंत्री जब किसी में जाते हैं संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में तो उनको इतना चाव से नहीं बुलाया जाता है जितना माननीय मनमोहन सिंह को बुलाया जाता था, और आज ये कह रहे हैं कि भारत का नाम, भारत पहले विश्वगुरु था, और आप बताएंगे विश्वगुरु की परिभाषा क्या है? ये लोग कहते हैं भारत को विश्वगुरु बना देंगे, कहाँ लिखा है कि भारत विश्वगुरु होगा? किन किन कामों को करने से भारत विश्वगुरु होगा? पहले हमें अपना विकास करना पड़ेगा, तब हमारा देश हो सकता है कि उस लेवल पे पहुँचे जहाँ लोग हमको जाने। और रही बात गोल्डन स्पैरो, सोने की चिड़िया, आज से नहीं हजारों साल पहले से कहा जाता है भारत, और भारत को अनेकों विश्व के लोग जानते हैं, इनके जनाने से भारत नहीं जानेगा। बीजेपी तो कह रहे हैं कि 70 साल से भारत जो है पिछड़ा हुआ है, तो अब हम 10 साल में कितना सुधार देंगे और टाइम मिलेगा 2040 तक, उसका आंकड़ा है कि 40 तक जो है भारत को फिर हम पुनः जो है जो सोने की चिड़िया कही जाती थी, तो 2040 तक लगभग करीब में सोने की चिड़िया हम भारत को बना देंगे। देखिए सोने की चिड़िया वो तो बनाएंगे नहीं, और नहीं तो उसको ख़त्म कर देंगे। अच्छा आपके पास थोड़ा सा ये नॉलेज रखिए कि एक राजा हुआ, वो राज करता था, एक मंत्री उसके गांव का एक लोग आया और कहा कि सर जी हमारी रोटी जो है ना वो 3 रुपए की है, मैं इसे 5 रुपए में कहना चाहता हूँ। तो राजा ने कहा बिल्कुल कर दीजिए। अगले दिन राजा ने अलाउंस किया कि तुम 5 नहीं रोटी 15 रुपया में बेचोगे।
अब रोटी वो 15 रुपए में बेचने लगा। हालांकि कहने पे राजा के 15 रुपए में रोटी जब बेच रहा था तो लोगों ने विरोध किया और राजा के पास आके कहें राजा साहब ये रोटी 15 का बेच रहा है। तो राजा ने उसको बुलाया कहा इधर आओ कह रुपये में बेच रहे हो। उसने कहा 15 में तो आज से तुम 10 में बेचोगे। और जनता क्या हुई हाँ हाँ करके शोर मचा के चली गई। राजा बहुत अच्छा है राजा बहुत अच्छा है। लेकिन शीर्षक समझिए 3 की रोटी उसने 10 में बेचवा दी। यही है हमारी बीजेपी सरकार जो अनेक प्रकार के कंपनियों से चंदा लेती है और फिर उन्हीं की निंदा करती है और फिर कहती है कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। इलेक्ट्रिकल बॉन्ड का नाम सुना ही होगा। अनेक कंपनियों ने चंदा दिए मुसलमान पाकिस्तान से वो हम लोगों को डराते हैं कंपेयर करते हैं और पता चलता है उन्हीं से चंदा ले लिए सब। हम यहाँ पे खुशी मना रहे हैं कि पाकिस्तान ये है पाकिस्तान वो है और चंदा पाकिस्तान वालों से ले लिए। एक कंपनी है जो आप लोग बुरा ना मानिएगा गाय काटती है और हमारे यहाँ के लोग गाय को धर्म बना लिए गाय को एक व्यापार बना लिए और बाद में पता चलता उसी कंपनी से चंदा लिए हैं सब। तो बताइए यही हमारा ना हिंदू तत्व। अरे हिंदू का मतलब हीन हम दूसरे अंति नाम दास्ता मतलब हम हिंदू हैं जो किसी से हीन भावना नहीं करेंगे। और भारत में हमें ये सिखाया जा रहा है कि हमें हीन भावना करना है। अरे हम भाई आज भी थे और भाई कल भी हैं। हमारे कई ऐसे मुसलमान दोस्त हैं जो हमको भाई मानते हैं जिनके युद्ध पे हम जाके जिनके ईद पे जाके हम उनकी सेवैयाँ खाते हैं उनके मिष्ठान खाते हैं और कई ऐसे मुसलमान भाई जो हमारे घर आके दीपावली पे हमसे साझा करते हैं। तो हमारा वही हिंदू है हमारा वही मुसलमान है बस ये लोग दिखाने का तरीका अलग बदल दिए हैं। हिंदू में एक मुसलमान को अपने ही तैयार करके भेज के वहाँ हड़दंग मचा दे रहे हैं और बाद में मुस्लिम को लगा दे रहे हैं और एक मुसलमान भाई में एक मुसलमान को भेज के हड़दंग मचा रहे हैं और दोनों को बिखर दे रहे हैं। हम वही भाई भाई हैं और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ आज से नहीं हम इतिहास से भाई हैं। पंडित बिस्मिल प्रसाद और इस अशफाक उल्ला खां से बड़ा दुश्मन नहीं था। जब उनको धरती माता की पुकार हुई जब भारत की आज़ादी पर पुकार हुई तो एक लोगों ने क्या किया कुरान लिया और एक गीता और फांसी के फंदे पर ये कह के चल दिए कि सर फरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है और फांसी के फंदे को चूम के और आज हमें आज़ादी दिलाएं। और उस आज़ादी को कहते हैं कि लीज पर लिया गया है। लीज नहीं है वो हमारी कुर्बानी है। भगत सिंह आज़ाद की कुर्बानी है चंद्रशेखर आज़ाद की कुर्बानी है अशफाक उल्ला खां की कुर्बानी है। तो ये कुर्बानी है और ये देश हमें जीने लायक दे रहा है तो इन भारतीय जनता पार्टी और अनेक दलों के लिए नहीं बस हमारे समाज को ये है कि एक अच्छा नेता चुने एक अच्छा ऐसा चुने जो हम और आपको ये जो हम लोग बेरोजगार दिख रहे हैं इन्हें रोजगार दिला सके हम अपने माँ बाप के बूढ़े आँखों के सपनों का तारा बन सकें। और इस तरीके से हमारी घोषी की अब की जनता ये सोचेगी और वोट करेगी और भैया के लिए इसको लाएगी। बिल्कुल इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। लास्ट में कुछ युवाओं को संदेश देना चाहेंगे कम शब्दों में दो शब्दों में युवाओं को बस मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि ना थके हैं कदम ना अभी हिम्मत हारी है ना थके हैं कदम ना अभी हिम्मत हारी है हौसला है कुछ कर दिखाने का इसीलिए जंग जारी है। और मेरे दोस्त आप लोग पढ़ते रहिए ये सरकार बदलेगी हर एक वक्त बदलेगा और आप अपने मुकाम पे ज़रूर खड़ा होंगे। जय हिंद जय भारत जय भीम।